कनेक्ट 2023 के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे। इस दौरान उन्होंने राजस्थान की योजनाओं के बारे में बताया, सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी। सीएम ने कहा कि चाहे पीढ़ियों से राज्य के बाहर रह रहे हो, लेकिन राजस्थानी समुदाय के लोग अब भी अपनी माटी से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री ने राजस्थान की निवेश नीतियों की चर्चा करते हुए कहा कि पर्यटन को दिया उद्योग का दर्जा, राज्य में उद्योग और पर्यटन दोनों क्षेत्रों में असीम संभावनाएं हैं। देश का 30% कच्चा तेल राजस्थान में निकल रहा है। दिल्ली मुंबई फ्रेट एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉरिडोर का लाभ राजस्थान को निश्चित रूप से मिलेगा। राज्य में विद्युत आपूर्ति निर्बाध है और औद्योगिक नीति निवेशक फ्रेंडली है। आप राजस्थान की नीति होटेलियर से ट्रेवल एजेंट है, टूर ऑपरेटर, सब खुश है। उनकी रेवेन्यू बढ़ गई। एक होटल वाले मेरे को बोले, साहब मेरा होटल थी, मेरे 2.5 लाख प्रति माह का मेरे को लाभ मिला। आप छोड़ सकते हैं कि इतना बड़ा जम उनको बनाए, वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक्सपेंड होगा, मेरे सेक्टर टूरिस्ट आएंगे, फॉरन टूरिस्ट हो या डोमेस्टिक टूरिस्ट हो, और आमदनी बढ़ेगी और रोजगार मिलेगा लोग। जीतो कनेक्ट 2023 को संबोधित करते हुए खान, पेट्रोलियम और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि जैन समुदाय की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री संवेदनशील है। जब भी कोई समस्या आई, मुख्यमंत्री गहलोत ने तत्काल पहल की। युवाओं के करियर निर्माण में भी जीतो की भूमिका महत्वपूर्ण बताई जा रही है। जियो के झंडे तले जैन संगठित और संगठन की ओर से होने वाले प्रयासों में निश्चित रूप से सफलता मिलती है। मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी वो जब जब मुझे समाज के हमारे ट्रस्टों के अध्यक्षों ने, हमारे आचार्य भगवंतों ने, साधु साधवी जी ने जो जो मुझे निर्देश दिए जैन शासन के कामों के लिए, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सहज भाव से, बहुत ही खुले मन से आशीर्वाद देकर उन कामों को क्रियान्वित करने का पूरा आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं इस मंच के माध्यम से लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का मैं अनुमोदना करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ पूरे समाज की ओर से। जीतो कनेक्ट 2023 को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि देश और दुनिया में राजस्थान का नाम चमके, इसमें जीतो की भूमिका महत्वपूर्ण है। जीतो से राजस्थान के वंचित लोग भी आशान्वित हैं। जीतो में युवाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। शेखावटी क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति मजबूत है, इसका श्रेय शेखावटी के सेठ साहूकारों को दिया जा सकता है, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा। राजस्थान का जो सपना मुख्यमंत्री जी का कि देश दुनिया में एक नंबर पर आए, उसमें बहुत बड़ी भूमिका ये जीतो निभा रहा है। अरे इसे फेड से निश्चित रूप से बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। इसके लिए जीतो के फाउंडेशन को, जो भी इसकी संस्थापक है, उन सबको धन्यवाद दूंगा। आप सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करूंगा। जीतो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपने उपलब्ध किया जो आपके समाज ही नहीं, अन्य समाज को भी एक दिशा देता है, एक रास्ता दिखाता है कि देश को दुनिया में, हिंदुस्तान विश्वगुरु किस तरह बने, उसमें राजस्थान एक अहम भूमिका निभाए। जीतो कनेक्ट 2023 में पतंजलि के संस्थापक और योग गुरु बाबा रामदेव ने पत्रकार अनिल सिंधवी के साथ विशेष सत्र में हिस्सा लिया। बाबा रामदेव ने स्वस्थ रहने के लिए रोजाना गहरी लंबी सांस लेने के अभ्यास, कपालभाति और अनुलोम विलोम का अभ्यास करने की सलाह दी। उन्होंने धन योग के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि तन और मन स्वस्थ रहेगा तो धन का योग अपने आप बन जाएगा। धन योग, धन योग, तन का योग, मन का योग, आत्मा का योग मैं रोज कराता हूँ। मैंने तो वही बता देता हूँ। देखो, एक तो लंबी भूख मारो, ये रोज मारा करो। आजकल कोरोना के बाद लोगों की इम्यूनिटी बहुत डाउन हो रही है और कभी भी किसी का फटाका भाप फूट जाए, कभी किसी को गाने का कुछ बता दे, डांस करते करते बता देगा वही हाथ करो। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे वेट घटता है, शुगर घटती है, कैंसर से बचता है, लो ऑक्सीजन सप्लाई से ब्रेन को नाश करता है, और इससे पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा एनर्जाइज। 2400 किलोमीटर लंबी तो हमारी श्वसन रेखा है और धरती के दो लपेटा मार दो इतना बड़ा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो पूरा एनर्जाइज हो जाता है। 37 मिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं डीप ब्रीदिंग करने से। एक दूसरा कपाल भाती, जीतो अपेक्स के निदेशक गणपतलाल चौधरी ने बताया कि जीतो की शुरुआत 17 साल पहले हुई थी। इसके सदस्यों में करीब 80% राजस्थान मूल के हैं।
जीतो का मुख्य उद्देश्य सभी जैन को एक ही छत के नीचे लाकर व्यवसाय विकास और जैन समाज को सशक्त बनाना है, जिसमें संगठन काफी हद तक सफल भी रहा। उन्होंने उपस्थित समूह में अपनी मातृभूमि का कर्ज उतारने के लिए राज्य में निवेश की अपील भी की। इसके अलावा तकनीकी सत्रों का आयोजन हुआ। कैपिटल मार्केट को लेकर आयोजित तकनीकी सत्रों में पत्रकार अनिल सिंधवी, HDFC, MMC के MD नवनीत मुनोत, समीर अरोड़ा आदि ने संबोधित किया। फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन का भी विशेष तकनीकी सत्र आयोजित किया गया। एंटरटेनमेंट नाइट में सुनिधि चौहान ने अपनी प्रस्तुतियां दी। विश्व की सबसे बड़ी जैनों की संस्था जीतो, जो सिर्फ 17 साल पहले जिसका गठन हुआ था और आज भारत ही नहीं पर संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी संस्था के सभी सम्मानित सदस्यों, बहनों और भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में है। हमारी प्रदेश के, मैं हमारा प्रदेश इसलिए बोल रहा हूँ, जैनों साहब की जीतो में 80-85% जो लोग हैं, हो सकता है वो भारत के कोई भी कोने में या विश्व के कोई भी कोने में बसे हैं, पर सबका मूल रूट राजस्थान है। जीतो कनेक्ट 2023 का दूसरा दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बाबा रामदेव के नाम रहा। बाबा रामदेव ने यहाँ उपस्थित लोगों को तन मन के साथ धन कमाने के भी गुर सिखाए। बाबा रामदेव का ये कहना है कि यदि तन और मन स्वस्थ है तो धन अपने आप चलकर आएगा। देखने वाली बात यही है कि आज के तकनीकी सत्रों में जो ज्ञान बटा है उसका आखिर लोग कितना लाभ उठा पाते हैं। कैमरामैन तिलोक के साथ विमल कोठारी, सच वे धड़क, जयपुर।